उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की आज 142वीं जयंती है और हम जहाँ पे खड़े हैं ये प्रेमचंद जी का आवास रहा जब वो गोरखपुर में थे। इस आवास में वो 19 अगस्त 1916 से लेकर के और 16 फरवरी 1921 तक रहे और इसी आवास में उन्होंने तमाम कालजयी रचनाओं को लिखा और महात्मा गांधी से वो इसी जगह से प्रेरित हुए। सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम का जो एक उस समय पूरा युद्ध चल रहा था उसमें वो शामिल हुए। अपने साहित्य के जरिए उन्होंने जन जन को जगाने की शुरुआत की, वो यही जगह है। और आज प्रेमचंद जी के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी को मानने वाले हैं, उनके साहित्य को पढ़कर जो बड़े हुए बुजुर्ग हुए वो उनको आज याद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पिछले कई सालों में प्रेमचंद जी को लेकर के उन्होंने कई साहित्य भी लिखे हैं, नाटकों के जरिए प्रेमचंद जी को याद करते हैं, जो युवा पीढ़ी है उसको भी बताते हैं कि प्रेमचंद जी का देश में और साहित्य में क्या योगदान है। बात करते हैं इनसे, ये बताइए सर, नाटकों के जरिए आप लोग जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा योगदान प्रेमचंद जी का आपको लगता है कि इस गोरखपुर और बनारस लेकर गोरखपुर में है? कि मैं कहना चाहूँगा, मैं इप्टा से शैलेंद्र निगम, आज हम लोग एक नाटक का मंचन किए मैकू जिसका नाम है, उसमें जो उन्होंने जो लिखा उसको हम लोगों ने कम संसाधनों में यहाँ पे प्रस्तुति दी अभी। और मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद जी उस ज़माने में जो चीज़ लिख दिए आज के समय में वो प्रासंगिक भी है और जीवन जीने की बहुत बड़ी कला भी है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में प्रेमचंद जी को लेकर के एक कैंपेन भी चलाया गया बनारस से लेकर के गोरखपुर तक, आप लोग लगातार चला रहे हैं, कितना बदलाव और कितना अब आज की पीढ़ी प्रेमचंद जी को जानने और समझने लगी? क्योंकि बदलाव कोई तत्काल की चीज़ नहीं होती है। प्रेमचंद नहीं थे बल्कि मजलूमों गरीबों हक हकूक की बात करने वाली एक विचारधारा थे, एक उनकी सोच थी सामंतवादियों के खिलाफ, पूंजीवादियों के खिलाफ, और उस सोच के वो किरदार थे जीते जागते मूर्ति, जिसकी आज भी प्रासंगिकता उतनी बनी हुई है। आज भी लगता है जब कोई तबाही का मंजर हम देखते हैं या कोई भौतिकता से भरी चीज खेल देखते हैं हम, तो आज भी लगता है कि प्रेमचंद कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में आज भी हैं। और प्रेमचंद की कृतियों को पढ़ने के बाद लगता है कि असल जीवन यही है और प्रेमचंद को जीने का प्रयास लोग कर रहे हैं। जो संघर्षों की कहानी प्रेमचंद की है, आज भी उन संघर्षों की आवश्यकता है और प्रेमचंद के मार्गदर्शन की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितना प्रेमचंद ने अपने समय में लिखा था और कहा था। बिल्कुल, अगर हम 100 साल पहले की बात करें, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा बदलाव है, लेकिन उस बदलाव के बाद भी आज भी जब हम प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ये आज भी घट रहा है। कितनी दूरदर्शिता उनके साहित्य में, उनकी किताबों में, नावलों में आप देख पाते हैं? देखिए, प्रेमचंद जी ने लगभग 302 कहानियाँ लिखी और उपन्यास, लेकिन उनकी कहानियाँ जो बहुत छोटी छोटी हैं, चाहे A4 साइज़ का अगर आपका पेपर है तो उसमें पूरी कहानी हो जाती है। उन कहानियों को लेकर के उन्होंने 302 कहानियाँ लिखी। अब उन कहानियों का मंचन हम लोग उसमें से करते करते आज 21वीं कहानी का मंचन किया, मैकू। एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी है, जब उस कहानी को आप देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो अभी भी की कहानी है। उन्होंने 100 वर्ष पहले लिखा होगा शायद, लेकिन 100 वर्ष पहले लिखी गई कहानी लगता है कि अभी अभी लिखी हुई कहानी है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है। आज जिस कहानी की बात विशेष तौर से कहना चाहेंगे, मैकू बहुत छोटी सी कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि नशाबंदी, और नशाबंदी की बात आप समझिए कि उन्होंने जिस ज़माने में लिखा होगा तो ताड़ी ही नशा का एक मेन उपक्रम रहा होगा, लोग ताड़ी ही पीते रहे होंगे, यानी पीछे जाएं अगर। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और बड़ी 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 शराब, अंग्रेजी शराब, फिर देशी शराब, ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने जो गांधी जी का आह्वान था कि शराब को बंद किया जाए, स्वराजियों ने जिस तरह से आंदोलन चला दिया था, शराब की भट्टियों को यानी ताड़ी की भट्टियों को घेर लिया था चारों ओर से, तो पूरा उनका धंधा चौपट कर दिया। लेकिन उसमें किस तरह से पुलिस अपना रोल करती है, कैसे लोग उसमें किस तरह के रोल प्ले करते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें बन जाती हैं। प्रेमचंद जी एक शब्द लिखते हैं कि वो शराब ताड़ीबंदी हो गई है, तो कुछ वैश्याएँ हैं जो इधर उधर टहल रही हैं, कुछ चकना बेचने वाली एक महिला है जो अपने व्यापार के लिए चिंतित है, बैठी हुई है। और जिस तरह से एक व्यक्ति जो मैकू कैरेक्टर है, जब वो आता है और देखता है कि ताड़ी खाने में ठेकेदार ने शराब यानी ताड़ी भी फ्री कर दी है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा ताड़ी पीने, तो वो चाहता है कि लोग ताड़ी पिए तो मुफ्त की ताड़ी दे रहा है, और मुफ्त में ताड़ी पीने के लिए लोग आ गए।
और उसमें से मैकू को भी उसने बड़े आमंत्रण के साथ, अनुरोध के साथ अंदर लिया, समझा कि शायद ये भी पिएगा और लोगों को बुलाएगा, लोग खरीद के पिएंगे, लेकिन उसने पूरा खरबंड कर दिया और ताड़े की दुकान को उसने नष्ट कर दिया। तो गांधी जी को वो कहते हैं कि इन सबों के जो एक मसीहा है ना, उन्होंने आह्वान कर रखा है कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करना, अगर कोई मारे तो सर झुका लेना। तो वो उस जमाने में गांधी जी की बात, जो उस समय उन्होंने कही थी, वो चीज़ आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। सर, अगर हम प्रेमचंद जी की बातों को देखते हैं, प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे ही आसपास की चीज़ें हैं, हमारे ही आसपास की घटनाएं हैं, और तमाम जो साहित्य उन्होंने लिखे गोरखपुर में रह करके इस जगह पे, वो आज हम भी पढ़ते हैं, पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो पुस्तकों के जरिए क्या उस साहित्य को पढ़ पा रही है, या फिर सरकार को थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए? देखिए, आज की जो पीढ़ी, जैसा आपने कहा, वो उन चीज़ों को नहीं पढ़ रही है, या वो ये कहते हैं कि हमें उपलब्ध नहीं है वो चीज़ें कि हम उन चीज़ों को जान सकें, क्योंकि इप्टा का हमेशा से, या हम लोग का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि उनकी चीज़ों को हम यहाँ पे करें। और सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि जो दर्शक हमारे नाटकों को देखते हैं वो भी बड़े उत्साह से भर जाते हैं और वो उसका बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन उन भावनाओं को, उन आदर्श, वो जितने आदर्श रहते हैं वो क्या परिवर्तित हो पाते हैं उन चीज़ों में, ये सबसे बड़ी बात है जो कि बहुत अभी मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। प्रयास हालांकि हो रहा है परिवर्तन लाने का, और इस मकान के जरिए जिस तरह से एक लोगों में जनचेतना जगाने की शुरुआत इप्टा के जो कलाकार हैं वो कर रहे हैं, वो पिछले कई दशकों से यहाँ पर किया जा रहा है। संसाधन भले ना हो, व्यवस्थाएं भले ना हो, लेकिन ये कलाकार काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि प्रेमचंद पार्क में अब आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग खासतौर पे प्रेमचंद की जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, उस दिन यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको पुष्पांजलि करते हैं, याद करते हैं उनके साहित्य को, और धीरे धीरे अब लोगों की इसी जागरूकता को देखते हुए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना शुरू किया। आज से अगर हम 2 से 3 साल पहले की बात करें तो ये जो पूरा इलाका था, पूरा जगह था, वो बहुत ही बदहाल स्थिति में था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। इस पूरी जगह को संरक्षित करके यहाँ को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको, उन तक प्रेमचंद जी की जितने भी साहित्य हैं उसको भी पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे शुरू की गई है। और ये माना जा रहा है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने जीवन के 5 साल गोरखपुर में इसी भवन में बिताए थे, उसके पहले जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी नारमल के इसी जगह के ठीक पीछे एक स्कूल था, उसमें पढ़ाई करते थे, बचपन भी उनका ही बिताता, यानी गोरखपुर से एक बड़ा लगाव था, और गोरखपुर से लगाव की वजह से ही प्रेमचंद जी ने तमाम जो साहित्य गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लिखे थे, आज वो कालजयी हैं, और उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनको जो पढ़कर बड़े हुए हैं, उनका मानना है कि प्रेमचंद जी का भारत के इतिहास में एक बड़ा योगदान है, साहित्य के क्षेत्र में, नाटकों के क्षेत्र में, और उनके इसी योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके इसी योगदान को याद करने के लिए हर साल जब भी प्रेमचंद जी की जयंती होती है यहाँ पे हजारों लोग सुबह से लेकर के शाम तक जुटते हैं। वीडियो लिस्ट प्रमुख साधी पक्ष गोरखपुर।